हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने टेक्नो कैमन 30 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन से ना कॉल फॉरवर्डिंग को कैसे हटा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कॉल फॉरवर्डिंग को हटाने के लिए सबसे पहले मोबाइल फोन का डायल पैड ओपन करना है। डायल पैड में सबसे ऊपर है 3 डॉट का ऑप्शन है, 3 डॉट पर टैप करना है। आपका ये छोटा सा पेज आता है, इसमें आपको सेटिंग का ये ऑप्शन है, सेटिंग पर टैप करना है। आपका ये पेज आता है, इसमें आपको नीचे ना ये कॉलिंग अकाउंट पर टैप करना है। आपका ये पेज आ जाएगा, इसमें आपको अपने फोन की सिम सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अब देखिए इस वाले पेज में आपको नीचे की साइड ये कॉल फॉरवर्डिंग पे टैप करना है। आपका ये पेज आता है, इसमें आपका रीडिंग सेटिंग इस तरीके से थोड़ी देर तक होगा। आपको इस बीच में कोई भी बटन अभी नहीं दबाना है, ठीक है। 10 से 15 सेकंड आपको सिर्फ यहां पे वेट करना है, ठीक है। देखिए हमारा पेज जो है वो रिफ्रेश हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर है ऑलवेज फॉरवर्ड पे टैप करना है। ऑलवेज फॉरवर्ड पे टैप करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए ऑलवेज फॉरवर्ड के नीचे लिखा हुआ है फॉरवर्डिंग ऑल कॉल टू ये नंबर आपको ध्यान में रखना है, ये वाला, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब आपको जो है कॉल ऑलवेज फॉरवर्ड पे टैप करना है, तो आपका ये पेज आता है, इसमें आपको नीचे टर्न ऑफ ऑफ का बटन टैप करना है। देखिए यहाँ पे जो एफ लेटर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे ये टर्न ऑफ का ही ऑप्शन है, इसे ऑफ के बटन पे टैप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पेज फिर से थोड़ी देर तक अपडेट होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा 10 से 15 सेकंड थोड़ा लगभग वेट करना है, ठीक है। देखिए हमारा पेज जो है वो अपडेट हो गया। अब यहाँ पे सबसे ऊपर ये ऑलवेज फॉरवर्ड के नीचे ऑफ लिखा हुआ आ रहा है। पहले यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा था ना, अब यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से हमारी ये कॉल फॉरवर्डिंग हट जाती है, ठीक है। अब मैं आपको इस सेटिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में बातें बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, कॉल फॉरवर्डिंग जो है ना हटाने से पहले ये सेटिंग कैसे काम कर रही थी कि जब कोई भी पर्सन जो है ना मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल करता था, तो वो कॉल मेरे नंबर पे नहीं आता था, वो कॉल जो है उस वाले नंबर पे चला जाता था जो नंबर यहाँ पे पहले दिखाई दे रहा था, ठीक है। अब दोस्तों हमने क्या किया कि कॉल फॉरवर्डिंग को हमने हटा दिया है, ठीक है। तो अब ये सेटिंग कैसे काम करेगी, अब कोई भी पर्सन जो है मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल करेगा तो वो कॉल सीधा मेरे नंबर पर ही आएगा, अब वो कॉल उस वाले नंबर पे नहीं जाएगा। ये तो कॉल फॉरवर्डिंग हटाने के बाद ऐसे काम करेगी ये सेटिंग। तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर भी अगर कॉल फॉरवर्डिंग लग रखी है, तो इस तरीके से आप उसे चेक कर सकते हैं, और अगर लग रखी है तो इस तरीके से ईजिली उसे हटा सकते हैं, ठीक है।